हेलो जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप तो सारे जने वधिया होगे ते राजी खुशी होगे। सो मेरा व्लॉग है सवेर दे, है ना, 10 क बजे मैं स्टार्ट कर रहा सी व्लॉग, मेरी बेटी नू स्कूल भेज के, है ना, सारे काम नबेड़ के भी नाश्ते वगैरह दा, ते नाश्ता हो गया होया सी इत्थे, ते मेरे हस्बैंड भी चल गए हुए सी शॉप ते। उस तो बाद मैं अपना व्लॉग है जिहड़ा स्टार्ट कर लिया सी। ये दिन शुक्रवार दा मेरा व्लॉग है, ते मैं ना सब तो पहला अज सोचा सी भी चलो आपां थोड़ी थोड़ी दिवाली दियां सफाइयां ने जिहड़ियां भी रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, है ना, शुरू कर लैंदे हां भी जिद्दन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आपां किसी किसी कोने तो कुछ कुछ कर लिया करांगे। तां करके मैं अज फड़िया जिवें, है ना, फोटो वगैरह साफ़ कर रही सी, जिवें मोक्षी दी ते, है ना, सामने फोटोआं लगियां होईआं, बस वो साफ़ कीतियां, ते बाकी मैं चादर वगैरह झाड़ के चंगी तरह ना लोबी वाली बैड दी विछाती, ते बस चादर वगैरह विछाई। तां उस तो बाद फिर मैं अपना जदों दीवान नूं इधर नूं खिंचिआ तां उहदे नीचे थोड़ा जिहा खलारा सी, मैं कहा चलो उह वी साफ़ कर दिंदी हां। ते उह साफ़ करन तों बाद फिर मैं नाल नाल अपने काम करदी गई, ते नाल नाल, है ना, भी सारे काम नबेड़दी गई, जिन्ने आपां फटाफट काम नबेड़ लाँगे वधिया, क्योंकि दिवाली दे दिन नेड़े आ रहे ने, ते दिन बस थोड़े रह गए, काम बहुत दिसदे हैं, ते मैं हौली हौली हर रोज़ एक दिन करके चलो असीं करदे रहने आ, सफाइयां भी जिन्नियां हो जाणियां। बस एक दिवाली दा तां बहाना हुंदा इह है कि बहाने नाल चलो घर साफ़ हो जाता है, भी सर्दी च अपने तो काम नहीं होने, ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं होनी, चलो आपां सर्दी च ठंड लगेगी रजाइयां च बैठता जावांगे, तां करके दिवाली तो एक बहाना हुंदा, चलो बहाने नाल सारियां घर दियां रसोई दी सारियां साफ सफाइयां हो जांदियां हुंदियां ने। बाकी तुसीं सारे जणे, है ना, किंदी दिवाली दी सफाई हो गई, किंदी रह गई, कौन कर रहा है मैनूं कमेंट करके दस्सिओ। ते बस इस तों बाद आपां नाल नाल, है ना, जिवें सोफा कह रही हां, अपना जिहड़ा दीवान सी उहनूं इधर खिच के मैं अपना झाड़ू मारता सीगा, वैसे ज्यादा डस्ट नहीं सी बट हैगी हुई सीगी, इह तां चलो बरीकी काम हुंदे आ, कदे कदे ही करने हुंदे आ, तां करके मैं चलो हुण कर लैनी हां। ते बाकी जे वीडियो दे विच तुसीं इत्थे तक आ गए हो, तुहानूं वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर दस्सिओ, प्यारा जिहा कमेंट करिआ करो, तुहाडे सारिआं दे कमेंट नाल मैनूं बहुत मोटिवेशन मिलदी है, बहुत वधिया लगदा है, फिर दिल करदा है व्लॉग बनाउण दा, तुहाडे सारिआं नाल गल्लां मारन दा। ते उंज वी तुहानूं सारिआं नूं पता ही है मैनूं आदत पै गई हुई है, जिवें एक दिन भी वीडियो ना पावां ना दिल नूं एवें हुंदा है कि, है ना, शायद कुछ ना कुछ अधूरा रहि गिआ, ते तां करके मैं कोशिश करदी हां कि रोज़ वीडियो पावां, रोज़, है ना, एक्टिव रहां अपने यूट्यूब दे उत्ते। ते मेरी रात नूं 9 बजे वीडियो आउंदी है, जिहड़ा कोई चैनल ते पहली बार आया उहनूं दस रही हां, मेरी रात नूं 9 बजे वीडियो आउंदी है, व्लॉग आउंदा है, प्लीज़ देखिया करो ते मैनूं सपोर्ट करिया करो। बाकी जिहड़ा कोई चैनल ते पहली बार आया मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ, सबसक्राइब करन दे नाल नाल नोटिफिकेशन वाला बैल आइकन जरूर दबायो, तां कि मैं जदों भी वीडियो पावां तुहानूं जल्दी जल्दी मिल जाए। ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਫਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾਏ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੇੜ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਝਾੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਤੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਸਫਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਰਨ ਕੋਲ,
इंडियन व्लॉगर लाइफ स्टाइल कोर है वह चैनल, आप गए से उन्हों वो मेरी फ्रेंड है मिलन वास्ते, तो बर्थडे पार्टी से व्लॉग भी तुम देखा ही होना, जिन्हें नहीं देखा जाके मेरे चैनल पर देख लो मेरा व्लॉग वो वाला, तो बस उत्थे भी आप इंजॉय करते रहे। उस तो बाद आके एक दिन मैं रैसट किया क्योंकि मैं बहुत थक गई सी, मेरा रात को आके सिर भी बहुत दर्द हो लग गया सीगा, तो फिर मैं गोली वगैरह ली, उस तो बाद जाके सैट होया। रात को असी बहुत लेट हो गए से आते हुए, तो बस उस तो बाद अगले दिन शायद मैं व्लॉग नहीं शूट किया, उस तो अगले दिन किया आई थिंक जित तक मैनू लग रहा है, क्योंकि ना मैं थक बहुत गई सी, फिर मेरे तू ए हो रहा है कि है ना भी एक दिन काम छड़ दिनी है कोई गल नहीं, क्योंकि जो बंद शरीर ही नहीं है ना ठीक होगा उदो काम करने का भी दिल नहीं करता, तो जो अपना शरीर ठीक हों आप फटाफट काम कर लेने भी आ भी कर लिए भी कर लिए, तो चलो हूँ तो दिवाली आ गई, अगर दिवाली से बहुत मजा आएगा, दिवाली से भी बहुत वधिया व्लॉग आएगा, सो सारे जने प्लीज़ मेरे व्लॉग की वेट करो, तो वधिया वधिया दिवाली दी विशेस दिओ। तो बस यही है कि है ना आप हूँ मैं पहला मान लो यूट्यूब पर काम किया, मैं करती सी 2 साल पहला करती सी, उदो मैनू इन्नी नॉलेज नहीं सी यूट्यूब की, मान लो कोई भी चीज़ बस 2-3 महीने ही काम करया सी, बट हूँ तो मैं 6 महीने हो गए काम करद, हूँ तो मैं रे किन्ने त्यौहार आए जो मैं थोड़े सारे शेयर किए बहुत वधिया लगता है। हाँ जी बस जिमें है ना मैं सारी डस्टिंग वगैरह की, सारा घर साफ कराया, उस तो बाद मैं झाड़ू वगैरह मारन लग गई सी, तो बस झाड़ू मारन तो बाद थोड़ा जहा हो जाता है कि हाँ अगे नालों घर बहुत साफ हो गया भी तसली मिल जाती होंगी है कि, तो करके बस मैं झाड़ू मार के है ना उस तो बाद फिर बारला एरिया साफ कर लग गई सी, बाहर भी अपना जरा बहुत गंदगी हुई पी थी पहला ना, इस तो पहला शायद मैं पुट्टी करी सी, मैं वह वाला ब्लॉग नहीं बनाया गा, तो क्योंकि ना अपनी जिमें पौड़ियां ने 2-3 पौड़ियां आप सिर्फ 1 पौड़ी से पुट्टी करी सी, फिर मैं 2-3 पौड़ियां तो करती ना जिते मैं लग रहा कि है ना सही नहीं है, मैं उत्ते करती सी बट मैं व्लॉग नहीं बनाया सी क्योंकि मैं ज़्यादा पुट्टी नहीं करी सी, थोड़ी जी करी सी, तो करके कुछ मेरा उधर बाहर तां खलारा पिया होया सी, मैं क्या चल बाहरों भी चंगी तरह साफ कर दूंगी हूँ एकदम, पहला अंदरों झाड़ू कड लैनी हाँ तो फिर बाहरला एरिया कर लूँगी, तो बस उ जिन्ने काम करे जाइए उन्ने थोड़े हैं, तुहानू पता ही हूँ दिवाली के नेड़े नेड़े आपां नूं ये हो रहा भी चलो घर के सफाई भी रवे, घर के काम भी होंदे रहन, तो टाइम टू टाइम कढ के यूट्यूब का व्लॉग भी मैं एडिट करना हुंदा है पाना हुंदा है, तुसीं सारे जणयां नूं मेरे व्लॉग की वेट होंगी हैगी, करके मैं कुछ यूट्यूब का काम हो जाता कुछ घर का बस ये करके मेरा मैं बहुत बिजी होंगी हैगी, तो इतने ना मेरे उपर ना साढ़े जालियां बनिया हुई ने चंगी तरह, मैं शूट नहीं हो पाया मेरे तो क्योंकि कैमरा उपर तक नहीं गया ज़्यादा, जिन्ना खोया चलो मैं कर लिया क्योंकि उपर ना इतने बारियां वगैरह चो मैं मिट्टी कड़ रही थी चंगी तरह साफ कर रही थी, तो बस उ ना जिन्ना क चलो हथ वजद जिते इतने उत्थे उत्थे काम कर ही सकते हैं आप, तो इतने वैसे तो मैं सारा धोऊंगी चंगी तरह साफ करूँगी, वैसे एक बार मैं मच्छर मुच्छर जो जिमें आते वो करके चंगी तरह साफ करिया सी, ते थे तुसी देख ही रहे होंगे जिहड़ियां पौड़ियां ने वो 3-4 करिया सी मैं, ते बस हुण इत्थे जो भी खलारा सी मैं उन चंगी तरह चक के ना झाड़ू वगैरह मार रही सीगी, ते बाकी मेरे व्लॉग दे विच कंटिन्यू बने रहा करो, जे तुहानू व्लॉग वधिया लगदा हैगा मैनू कमेंट करके दस्या करो, ते व्लॉग नू प्लीज़ प्लीज़ फुल वॉच करिया करो, मैनू हुण प्लीज़ तुहाडे सारिआं दी हैल्प दी बहुत ज़्यादा लोड़ है, मेरा वॉच टाइम है मैं जल्दी पूरा करना है क्योंकि हुण तां बस थोड़ा जिहा रह गया, कहिंदे आ ना हाथ ही लंघ गया पूंछ रह गई, बस उही काम है, तो हूँ अपना जो वॉच टाइम है बस थोड़ा जहा रह गया, कहना मतलब कि पे है हाले बट इन्ना क रह गया कि मैनू इन्ना पता है तुम सारे ने इन्ना सपोर्ट करना है कि जल्दी कंप्लीट हो जाना है, बस रल मिल के जिदा आप रहने अपनी फैमिली रहती उदा ही तुम रल मिल के सारे जने मैनू सपोर्ट करो, क्योंकि मैं थोड़े सारे के बहुत वधिया कमेंट आ रहे हैं अजक बहुत वधिया लग रहे यार, इन्ने वधिया कमेंट कर दो दिल खुश हो जाता है, काम करन दा भी दिल करता है, सो इदा ही वधिया वधिया कमेंट करते रहो, तो इदा ही मेरे चैनल दे बने रहो क्योंकि मेरा चैनल डेली चलेगा तुहानू पता ही डेली व्लॉग आने, सो प्लीज़ वधिया वधिया व्लॉग देखने लई वधिया वधिया है ना कमेंट करने लई बहुत बहुत थैंक यू तुहाडा सारे ना दिलों, तुसी बहुत प्यार ते सपोर्ट दिंदे हो।
हाँ जी फैमिली इतों ना चंगी तरह मैं साफ करता सी ते सामने साइकिल रखती ते हुण इतों मैं मारन लग गई सी झाड़ू। मैं क्या चंगी तरह झाड़ू मार देनी आ, बस इतों चंगी तरह झाड़ू मार के बाहरों भी सारा लगा दूंगी ते जिथे इतें मैनू सी भी डस्ट आ उत्थे उत्थे लगा दूंगी ते बस चंगी तरह साफ करके फिर मेरा पोचा वगैरह मैं बाहरों लगा लग जूंगी। अंदर वाला मैं तुहाडे नाल सारे नाल शेयर नहीं करिया क्योंकि मैं कल वाले अगले व्लॉग दे विच तुहाडे नाल शेयर करूंगी अंदर वाला, क्योंकि जे रोज मैं हर रोज तुहानू आही चीज़ दिखाण लग गई तां तुसीं भी बोर हो जाओगे, तां करके मैं हर रोज एक एक करके चीज़ दिखानी आ भी आई अज इस दिन आ दिखाता, कल आ दिखाता, परसों आ दिखाता। पहली गल तो मैं कदे सोचा नहीं कि कल मैं की काम करना है, अज की करना है, जो हुंदा टाइम दे नाल जिद्दां मेरा रूटीन है उदा मैं तुहाडे सारे नाल शेयर करती रहनी हुन्नी। मैं कदे कुछ भी सोचा नहीं माइंड दे विच भी मैं अज ए वीडियो शेयर करूंगी जां अज ऐ करूंगी, जो हुंदा जिवें हुंदा मेरा रूटीन मैं उदा ही तुहाडे सारे नाल शेयर कर लैनी हुन्नी आ। बाकी जो भी मेरे यूट्यूब ते मैं दसदी आ बोलदी आ है ना जिद्दां भी कहनी आ सब सच हुंदा, कोई ऐसी गल नहीं है भी मैं कुछ झूठ बोलदी आ, क्योंकि मैनू झूठ तो नफरत है, मैं झूठ बोल नहीं सकती पहली गल। तो उही है ना भी आप जो सच के सहारे चलोंगे तो वधिया अपना चैनल भी चलूगा, लोग भी जुड़नगे, जे आप झूठ के साथ झूठ नाल चलोंगे तो लोग भी है ना विश्वास नहीं करनगे। सो आपां लोगों का विश्वास ही जितना है ना भी जो जिहड़ा मैं काम कर रही मैं अपने फैमिली का अपने यूट्यूब फैमिली का मैं अपना जिहड़ा है ना विश्वास ही जितन वास्ते आई हाँ यूट्यूब से। तो बस तुसीं सारयां दा विश्वास इन्ना कु रखूंगी कि हाँ तुसीं मेरा विश्वास ना कदे तोड़ियो तो मैं तुहाडा नहीं कदे तोड़ूंगी, बस तुसीं मैनूं इदां ही सपोर्ट ते प्यार करदे रहो, मेरे चैनल नूं इदां ही जिद्दां करदे हो बस इदां ही करो। प्लीज़ सारे जने फुल सपोर्ट करो, फुल फुल प्लीज़ 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 बस इन्ना ही कह सकदी हाँ मैं, तां तुहानूं सारयां नूं रिक्वेस्ट ही कर सकदी हाँ। इस तों बाद मैं बाहरों है ना चंगी तरह सफाई करके फिर अंदर पोचा वगैरह लगाउण लग जूंगी, ते बस अंदरों नहीं सॉरी बाहरों अंदर वाला मैं तुहाडे नाल शेयर नहीं करिया, तो बस बाहरों ही चंगी तरह है ना साफ करके पोचा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि तुहानू पता ही है ना डस्ट किन्नी कढ़ी है आपां, ते कुछ चिट्टा फर्श है ना अपना उहदे करके जिहड़ी मिट्टी वगैरह वह बहुत ज़्यादा जल्दी चमक जाती है कि हाँ इत्थे मिट्टी है उत्थे मिट्टी है, तां करके मैं चंगी तरह साफ कर रही सी भी है ना अपने वेहड़े नूं चंगी तरह साफ कर ली, क्योंकि जदों किसी ने बाहरों आना है बाहरला एरिया ही अगला देखता है, फस्ट इंप्रैशन इज़ लास्ट इंप्रैशन, उही हुंदा भी बाहरला चंगी तरह साफ होगा तां अंदर आपे साफ लगेगा। सो हाँ जी फैमिली इतने 12:30 टाइम हो गया सी, ते मैं 2 घंटे हो गए सी व्लॉग स्टार्ट करया नूं भी, ते 2.5 घंटे हो गए सी भी व्लॉग शूट करदिया नूं काम करदिया पता नहीं लग्या भी किंज टाइम हो गया, मोक्षी दे लिया आंदा भी टाइम हो गया सी इत्थे, ते पापा मेरे मोक्षी नूं लैन चल गए हुए सीगे, ते मैं अपना काम फटाफट निबेड़ रही सी सफाइयां दा, मैनूं ऐ सी मैं फटाफट काम कर लां भी जे मोक्षी आ गई तां उहने सफाइयां भी विच छड़वा देनियां ने मेरे तों, तां करके बस मैं फटाफट लगी हुई सी भी फटाफट बाहरला फर्श साफ कर लाँ भी, क्योंकि जे बाहर गिला होगा तो फिर अंदर भी उही पैर जाएंगे, तां करके बस मैं फटाफट बाहरलों सफाई करके पोचा वगैरह लगा के फिर मैं अंदर आ गई सी। मैं क्या शुक्र है भी हो गया भी जे मोक्षी आ गई तो फिर ये भी रह जाना, तुहानू पता है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शरारती है व्लॉग दे विच जिहड़े देखदे ने डेली उन्हां नूं तां पता ही है मेरी बेटी किन्नी शरारती है, वो इन्नी शरारती है कि मैनूं फिर काम नहीं करन दिंदी, फिर मैनूं अपनी गल्लां 'च ही ला लैंदी है, मम्मा आ कर दो मम्मा वो कर दो आ खाण नूं दे दो, बस फिर तो मैं तो उहदे 'च ही लग जाती हुंदी हाँ, फिर मैं तो ना व्लॉग शूट हुंदा ना ही कुछ हुंदा, फिर तो फिर वो आ गई सी। उस तो बाद तुहानू हुण अग्गों देखण नूं मिलेगा ही जदों मोक्षी आई सीगी, तो मैं फटाफट इत्थे पोचा लगा रही सी। बाकी जे तुसीं सारे जने मेरी वीडियो दे विच है ना इत्थे तक आ गए हो तुहानू वीडियो किद्दां लगी है मैनूं कमेंट करके दस्या करो, तुहाडे इक कमेंट नाल कुछ नहीं होना जां इक शेयर नाल जां इक लाइक नाल, मैनूं बस मैनूं सिर्फ मोटीवेशन ही मिलनी है, मैनूं तां सिर्फ प्यार ही मिलना तुहाडा, मैनूं बहुत वधिया लगूगा जे तुसीं मेरी वीडियो शेयर करोगे लाइक करोगे कमेंट करोगे, मैनूं बहुत वधिया लगदा हैगा। बाकी जे तुसीं मैनूं प्यार करदे हो तां मेरे लई इन्ना तां कर सकदे हो। Thank you.
ਇੱਥੇ ਪੋਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵੀ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਂਝ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਏਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਵਲੌਗ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਓ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਆਊਂਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੋਚਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੋਕਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਗੰਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਲੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੋਕਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫੀਟ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਫੀਟ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਲ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੋਕਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੋਇਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਵਲੌਗ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਏ, ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਈਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਫੈਮਲੀ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਰਨ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਤੱਕ ਲਈ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਲੀ।